आलू का ये नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 3 आलूओं को कद्दूकस करके ले लिया है। ये उबले हुए आलू हैं, इसमें सारी चीज़ें मिला लेते हैं हम। यहाँ मैंने ये काली मिर्च ली है, काली मिर्च का पाउडर, ये मैंने आधा चम्मच डाल दिया इसमें काली मिर्च का पाउडर, नमक अपने स्वाद के हिसाब से, ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये मैंने आधी छोटी चम्मच लिया है। मैंने यहाँ पे ये मैदा लिया है, इसे मैंने इस छोटे चम्मच से 3 चम्मच डाल दिया है। हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पे मैंने आलू को उबाल कर बिल्कुल ठंडा करके इसे लिया है, आप भी एकदम ठंडा करके लीजिएगा क्योंकि गर्म आलू पानी छोड़ते हैं। मैंने यहाँ पे ये शिमला मिर्च ली है 2 बड़े चम्मच, इसे ऐड कर देंगे। ये गाजर, इसे मैंने 2 चम्मच लिए हैं। बारीक कटी हुई प्याज, यहाँ मैंने एक छोटे साइज के प्याज को बारीक काट के ले लिया है। इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से मिला लेंगे इसमें। ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिल चुकी हैं, हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस कढ़ाई पे नहीं रखेंगे, गैस को नीचे ही रखकर सबसे पहले हम सारी सेटिंग कर लेंगे, उसके बाद इसे हम गैस पे रखेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल लगा देंगे, आप चाहें तो लोहे की भी कढ़ाई ले सकते हैं, नॉन स्टिक तवा भी ले सकते हैं। इसमें हम अच्छे से तेल लगा लेंगे और इसमें यहाँ मैंने बारीक वाली सेवई दी है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, आपको ना पसंद हो तो ना डालिएगा। आलू का पेस्ट तैयार करके रखा है, उसे टिक्की की तरह बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हाथ को चिकना कर लिया है, इसमें से आधे भाग को लेंगे। हम इसे कढ़ाई में अच्छे से फैला देंगे। चुके तेल लगा के इसे हम प्लेन कर देंगे बिल्कुल। आपके पास प्लेन कटोरी हो तो आप इससे भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ये टमाटर सॉस लगाएंगे, आप चाहें तो पिज्जा सॉस भी लगा सकते हैं। इसे अच्छे से लगा देंगे। इसके ऊपर ये मैंने पनीर को बिल्कुल बारीक काट कर रखा है, उसे भी इसके ऊपर डाल देंगे। इसे भी अच्छे से फैला लेंगे। अब यहाँ पे जो मेरा बचा हुआ पेस्ट है, अब उसको उसके ऊपर रख देंगे पूरा लोई की तरह बनाकर, जैसे मैंने पहली बार किया था। मैंने बचे हुए पेस्ट को भी इसके ऊपर जैसे मैंने पहले किया था ये भी इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। जैसे मैंने उसे चिकना किया था वैसे इसे भी चिकना कर देंगे। मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है पूरा, इसे भी चिकना कर दिया मैंने। हम इसके ऊपर फिर से तेल लगा देंगे। इसके ऊपर भी हम जैसे पहले मैंने सेवई डाली थी इसके ऊपर फिर से डाल देंगे, इसे बहुत अच्छा कुरकुरा बनाएगा इसमें। अब हम इसे रख देंगे गैस पे पकने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे।
यहाँ पे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकने के रख दिया है। इसे हम ऊपर से ढक देते हैं। यहाँ पर मैंने 5 मिनट बाद चेक किया था, वो नहीं हुआ था, तो मैंने 15 मिनट तक इसे पकाया, फिर इसे पलट दिया इसे, फिर दूसरे साइड ये सिक रहा है। इस तरह हमारा ये आलू का नाश्ता बनकर तैयार है। हम इसे थोड़ी देर बाद प्लेट में निकाल लेते हैं।